अभी मैं और यान हर जगह पर घूम कर आए हैं। हमें कहीं पर भी रैबिट के लिए चारा नहीं मिला, तो अभी हमने दोबारा जाना है और कहीं से दरख्तों के पत्ते या कहीं घास लगी है तो वो तोड़ के लानी है। उससे पहले मैं इनको देख लेता हूँ। हाँ, वो छोटा बेबी तो काफी बड़ा हो गया और पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कहीं गया था नहीं, वक्त नहीं गया हुआ। भैया आपने अंडे का बताया? नहीं, अंडे का तो नहीं मैंने बताया। चलो आप बताते हैं। तो ठीक है, आप ही दिखाओ अंडा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए खैरियत से होंगे। अभी अयान ने कहा था कि अंडा, तो वो अंडा अभी अयान ही आपको दिखाएगा। दिखाओ अयान, क्या करें? हाँ, वो रहा। हाँ, हमारे सोना चांदी ने पूरे अपने दो अंडे दे दिए हैं। बड़ा भैया? हाँ जी। वो बच्चा तो इतना बड़ा हो गया है। हाँ। गर्दन ऐसे करके क्यों देखता है? पता नहीं। और सोना चांदी के आखिरकार दो अंडे आ गए। अब आप दुआ करें जल्दी से ना, इन अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। यार जल्दी से चलते हैं। हाँ। रैबिट्स के लिए कोई चीज भी लेके आनी है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, बहुत भूखे हैं। चारा तो हम ले आए हैं, हम ना इसको अभी डाल देते हैं रैबिट्स को। चारा हमें जो है बड़ी मुश्किल से मिला। कैसे ये चारा नहीं, घास है तो चारा ही हुआ। हाँ, बस इतना दो, इनके लिए तो चारा ही हुआ ना। चलो भाई खाओ, तुम्हारी पार्टी हो गई। चलो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये वाला जो केज है ये अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ था। आज हमने इस दरवाजे को ना, ओ दरवाजे को नहीं, पूरे केज को ही अच्छे से ना ठीक कर दिया। तो हमने ना इसके नीचे सीमेंट लगाया है। होता क्या था, जब हम ना यहाँ से सेंध धोते थे। चलो मैं बताता हूँ। सेंध धोते थे, पानी अंदर चला जाता था। उसका तो कोई नुकसान था ही नहीं। होता ये था, पानी अंदर जाता था तो अंदर से ना मिट्टी आस्ते आस्ते बाहर आने लग जाती थी गीली होके। बड़ा भैया, इधर मिट्टी लगा के भी तो अंदर पानी नहीं जाता ना। आपके ऐसी सवाल होते हैं, चुप कर जाओ। मिट्टी के ऊपर पानी भरे तो मिट्टी बहने लग जाएगी। तो ये हमारा काम भी हो गया। और सुबह मैंने इसके ऊपर पानी भी छिड़का था, क्योंकि पानी तो छिड़कना ही पड़ेगा सीमेंट को मजबूत करने के लिए। अभी मैंने अपना होमवर्क कर दे, होमवर्क करने के बाद आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, धूप पता नहीं क्यों कम हो गई है। मैं चेक करता हूँ ये सीमेंट खुश्क हुआ क्या। हाँ, काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। थोड़ी देर तक ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा और मास्टर केज के जो बर्ड्स हैं ना, वो तो सारे के सारे मज़े कर रहे हैं। ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में मज़े ही करने हैं इन्होंने। अब हम आगे के वीडियो करेंगे शाम को कंटिन्यू।
चित्तर इतने तेज हैं? 3 दिन हो गए हैं इनको अपना नया घर मिले हुए, फिर भी ये लोग बाहर घूमते रहते हैं। अंदर जाने का टाइम होता है तो मास्टर केज के अंदर घुसते हैं। हालांकि इधर इनके पास मिट्टी भी है, मास्टर केज में मिट्टी भी नहीं है, इधर ये ज्यादा खुश रहेंगे। फिर भी पता नहीं इनका क्या मसला है। इतनी मुश्किल से हमने इनको पकड़ पकड़ के बंद किया है। और उधर के पिजन्स का भी मैं आपको बता दूं, इनको मैंने बंद कर दिया था और दाना भी डाल दिया था। और मैंने क्या किया, वो सोना चांदी की ना कुंडी थोड़ी पीछे कर दी है, क्योंकि ज़्यादा आगे थी कोई भी पिजन जो है ना अंदर जा सकता था। अरे ढोलू पता नहीं क्यों उसकी रखवाली कर रहा है। और उधर चार्ली सिंड्रेला वगैरह को भी मैंने सबको दाने डाल दिए। फिर आज की वीडियो का यही एंड कर देते हैं। और आज तेज आंधी भी आई थी, अभी भी मौसम खराब है, हो सकते रात को दोबारा आ जाए, इसलिए आज की वीडियो का अभी एंड कर देते हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम तीनों को आज के लिए इजाज़त दीजिए।